सीन वगैरह जो है गाइड मेल में गाइड हमारा सीट मिले हैं, मानसिंह मेले दीवाने आम दीवाने साथ बहुत सीटी है जो ना भाई। We are in some port, I don't know which port, he will explain us everything and I hope you see the vlog. ऐश्वर्य राय का सलमान का पुराने मूवी है ना दादा? नहीं नहीं वो मूवी में ऐसा बैठा रहता है। दो बावड़ी एक जान बावड़ी ये वाला है। बीस का एक, पचास के तीन, किचन दस रुपए का है, पचास। कितना एक से? हाउ इज इट बिल? देख रहे रानी जोधाबाई का महल है वो, उनका बर्थ पहले से ही बिल्डिंग है ना ये वाला, उनका बर्थ पहले से 550 वर्ष पुराना है। ये पहले से आप विजिट करेंगे अंबर फोर्ट, ये 450 वर्ष पुराना है, इसको 137 वर्ष को महल को बनने में लगा था। पैलेस की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर हिल में प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है। 7 चौकियाँ हैं सैनिकों के लिए, जब भी कोई टेलीग्राम देना था तो नगारे बजाकर रात में मशाल जलाते। सामने वो जो पैलेस फोर्ट, वो सामने फोर्ट देख रहे हैं, जगत फोर्ट है, राजा का वेपन सीरिया है पूरा, वो वाला फोर्ट राजा का वेपन सीरिया था, तैयार बनने का कारखाना राजा का जगत फोर्ट था। राजा का जगत फोर्ट अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के अंदर में ये महल है अंबर फोर्ट, ये भी बहुत प्राइवेट नहीं है। जयपुर सिटी में सिटी पैलेस है, एशिया का सबसे बड़ा कैनन है देखने के लिए। जो फ्लैग देख रहे हैं, वन फ्लैग लग रहा है, उसको छोटा फ्लैग वो लगता है जो प्रिंस होते हैं शहर सिटी में जयपुर में, उनके लिए लगा जाता है छोटा फ्लैग। अभी वो यहाँ नहीं, सिंगल फ्लैग लगा रहा है। जो मंदिर देख रहे हैं सामने वाला, ये मीरा कृष्ण का मंदिर है, गोल्ड है ना परमा, मीरा कृष्ण का मंदिर, मीरा का, मीरा मीरा तो बहुत सुनते हैं कहानी, सुन का सुन के मीरा का मूवी चल रही है। अक्षय कुमार का भूलभुलैया का शूटिंग होता है यहाँ पर, राजपाल यादव को जो अगरबत्ती लगा के बैठा था ना, वो पानी वाला नहीं होता। ये मून गेट है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, हम पब्लिक के लिए ऊपर में ढोल लगा रहा है, उससे राजा का वेलकम होता है। सुबह एलिफेंट चलता है 8 से 12 बजे तक, ये महल मानसिंह राजा का महल है।
मानसिंह राजा का मुगलों से मिल गया था। महाराणा प्रताप मानसिंह के खिलाफ हो गया, उसके बाद में महल का निर्माण किया। ये महल आप देखने के लिए आए कि चार भाग है, चार आगर इस महल को बना के कम्प्लीट किया है। 137 बरस महल को बनाने में लगे, चार पीढ़ियों ने बनाया। ये होल बना में दीवानी आम है, उनको चार कड़े लगे हुए ऊपर, बीच में राजा का सिंहासन लगाया जाता था, उस सिंहासन को राजा बैठते थे, उनके मंत्री लोग बैठते थे साइडों में। ये ग्राउंड बना में नीचे आम जनता पब्लिक बैठ के दरबार का वास्तव सुनते थे। ये देखो लाल फते में, वाइट में, हाथी के फूल में, कमल के फूल बने हुए, ऊपर हिंदू आर्ट बना हुआ है, उसी के नीचे मुस्लिम आर्ट बना हुआ है, तो हिंदू मुस्लिम दोनों कम्बाइन करके बना हुआ है। मुझे लगता है दीवानी आम दरबार करने के लिए, ये देखो दोनों शहरों में जालिया मनी देख रहे हैं, दीवानी आम में दरबार लगता था, दोनों शहरों में दासियाँ बैठ के दरबार देखते थे और महारानी को ऊपर बना हुआ है, वो जालिया प्रकार से बना हुआ है। आप ऊपर चाहे नीचे वालों को देख सकते हैं, नीचे से ऊपर वालों को पहचान नहीं सकते थे, जमाने में पर्दा सिस्टम होता था। ये देखो आगे आओ थोड़ा, बगीचा देख रहे हैं, जनाना बगीचा। गर्मी के समय में रानियों बीच में बैठा करते थे, चार के फाउंटेन चलते थे, ऊपर एक वाटर टैंक बना हुआ छत के ऊपर, टैंक में पानी डाला जाता था, पानी डालने के बाद में पानी का दबाव पड़ता था, जमाने के फाउंटेन चलते थे। ये जनाना गार्डन थे जमाने, ये कहलाता शीश महल, जो आपने फिल्म का होगा मुगला जम। ये देखो आप, ये एक मटका है 400 वर्ष पहले का, मटके में पानी गर्म किया जाता था हाथ धोने के लिए, वहाँ पानी के मटके रखे जाते थे, वहाँ पे दीपक जलाए जाते थे दीपक। ये देखो ये रानी का टॉयलेट बने हुए, 400 वर्ष पहले का टॉयलेट जमाने के जो आप देख रहे हैं, ऐसे पूरे महलों में 99 बने हुए इधर चलने के राइट कर। पहले के कमरे हैं, दरवाजे पहले के समय के लगे हैं, ये देख रहे हैं, ये कलर पहले का कमरों भी दोबारा किया है। तीसरी रानी का ये देखिए, दरवाजे बंद रहते थे जमाने में, एक रानी दूसरी रानी से मिल नहीं सकते, अगर ये रानी आगे वाले रानी से मिलना चाहते थे बाहर मिलते थे, अंदर नहीं मिलते थे। ये देखो आप, जो आप खड़े में इसके नीचे वाटर टैंक है, बारिश का पानी जमा होता था। ये देखो
तीन पारा, तीन तीन महीना आमने सामने अलग अलग पारा महीना आपको दिखाई दे रहा है। ये चार छतरी है, चार कोनों का है। राजा जब लड़ाई में जाते थे रानियों की सुरक्षा के लिए जवानों में हिजड़ों को करा लगता था, बोले हिजड़ों ऊपर की निगरानी रखते थे रानियों की सुरक्षा के लिए। मुझे कुमार लकड़ी के तख्ता लगाया जाता था, जो बड़ी रानी होती थी मेन लकड़ी के तख्तों के ऊपर बैठते थे, छोटे रानी शहीदों में बैठते थे। इसको कहा जाता बारादरी, बारादरी का मतलब होता है कि बड़ी रानी आती है मीटिंग करते कपड़े को दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये कह रहा पापा भी दो पक्षों में देखेंगे ये मैडम सिरे में खाना पकाते दिखाते हैं। यहाँ पर शूटिंग हुआ, शूटिंग वाले कबाड़ी से ला के वेल्डिंग करा के कलर करके शूटिंग करके छोड़ गए। देखो रखा हुआ नहीं है,